Hello everybody, here I am Sonu Sharma, inspirational speaker, leadership consultant and a corporate leader. आज का विषय बहुत करीब है मेरे दिल की, क्योंकि आज बात करने वाला हूँ पैसे. जी हाँ, money. The most important factor हम सब की जिंदगी में. Being belong to a very middle class family, इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ. मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ साथियों, दुनिया का 95% दौलत सिर्फ 5% लोगों के पास है, और दुनिया की 5% दौलत 95% लोगों के पास है. इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्यों ऐसा है कि कुछ लोगों के पास अपूर्ण संपदा है और कुछ लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? सब लोग ऑल दो एक ही तरीके से पैदा होते हैं, सभी के वही हाथ, वही आँख, वही नाक है, हार्डवेयर सबका सेम है, सारा का सारा खेल सॉफ्टवेयर का है. मैं बताता हूँ आज आपको इस वीडियो में कि कहाँ बेसिक प्रॉब्लम है, क्यों मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जीवन भर मिडिल क्लास रह जाता है, और क्यों आज बहुत सारे लोग न्यू स्टार्टअप लेकर आते हैं और दुनिया में छा जाते हैं. आज की बात, आज का टॉपिक हर उस इंसान के लिए है पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहा है. इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को पलट के रखे. जैसे ही आपने कभी जीवन में कोई गाड़ी देखी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर, जैसे ही आपने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा मकान देखा, जैसे ही आपने जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी चीज देखी जिसमें मन की चाह है कि काश मैं ये ले लूं, और जैसे ही आपने उसको देखा, आपके बच्चों ने देखा, आपकी वाइफ ने देखा, आपके आजू बाजू के दोस्तों ने देखा, तो जैसे ही आपने देखा आपके दिमाग में आपको एक लाइन बोली, जानते हैं क्या? जैसे आपने मर्सिडीज देखी और बीएमडब्ल्यू देखकर बहुत बड़ा शानदार आलीशान सा घर देखा, मन तो हुआ कि काश ये मेरा होता, मन तो होता काश मैं ये घर चला रहा होता, काश मैं ऐसे मकान में रह रहा होता. लेकिन मेरे पास नहीं बात कर बड़ी चीज देखता है उसके दिमाग में चीज आती है, हम से देखेगा तो मैं लिख रहा हूँ आई कान अफोर्ड. ये एक ऐसी लाइन है जो जिंदगी बर्बाद करती है, जिसने 99.9% के लोगों की आई कांट अफोर्ड इट. गाइस, इट इज अ क्लोज स्टेटमेंट. The time you pass the statement, your mind shuts. आपका दिमाग बंद हो जाता है, सवाल खत्म हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है. जिस दिन आपने ये बोला कि I can't afford it, बात खत्म हो गई, आपने क्लोज कर दिया, मिट्टी डाल दी, सारे सपने वहीं के वहीं खत्म हो गए. इट्स अ क्लोज स्टेटमेंट. और 99% मिडिल क्लास फैमिली के लोग ये लाइन बोल के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं फाइनेंशियल. अब आप बोलेंगे तो करें क्या? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप जिंदगी में क्या करें, तो गाड़ी लेने का सपना देखें, तो घर, कुछ भी आपका सपना हो बड़ा, और जब आप पहली बार देखें या दूसरी बार उसको देखें, ये सवाल नहीं है आई कांट अफोर्ड इट, आपको एक लाइन बोलनी है, हाउ कैन आई अफोर्ड, हाउ कैन आई, how can I afford it? It is an open statement, guys. ये ओपन स्टेटमेंट है कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ. जैसे आप स्टेटमेंट पास करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के तार खुलते हैं, आपका दिमाग आपको सिग्नल पास करता है, आपका दिमाग आपको रिप्लाई करता है कि ये कर सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है, इस रास्ते से जा सकता है, ऐसे पहुंचा जा सकता है. लेकिन जैसे ही आपने बोला आई कांट अफोर्ड इट, गाइस, सब वही खत्म हो जाता है और आपका जिंदगी हमेशा के लिए मिडिल क्लास हो जाता है. दोस्तों, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड मेंटल बोथ इन हैबिट्स. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज पुअर, नॉट पुअर वर्किंग हैबिट. Most people work very hard. बहुत सारे लोग मेहनत कहाँ मेहनत करते हैं, but they don't think hard. Guys, mind is like a factory, a mental factory. जो भी आप दिन भर सोचते हैं अंदर, उस raw material का production चालू है. You become what you think all the day. Every thought is a seed. If you plant an inferior seed, you cannot expect a superior fruit. Guys, हर विचार एक बीज है. अगर आप घटिया बीज बोते हैं, शानदार फ्रूट की उम्मीद नहीं कर सकते. बुरा मत मानिएगा, गरीबों से नफरत नहीं है मुझे, गरीब माइंडसेट से. This is going to be a hard talk, ladies and gentlemen, not a happy talk. ये एक बहुत सख्त बात होने वाली है, खुश बात करने के लिए है. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. Can I ask you one question? Very important question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. क्या है सवाल? Simple सवाल. क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? Is money important in your life? क्या आपकी जिंदगी में पैसा important है? आप बोलेंगे यकीन. हाँ, मैं दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है. क्या आपकी जिंदगी में स्कूल इंपॉर्टेंट है? क्या हम सबकी जिंदगी में स्कूल इंपॉर्टेंट है? हाँ. अब मेरा सवाल यह है कि देयर व्हाई डोंट वी लर्न अबाउट मनी इन स्कूल? क्यों पैसा स्कूल में कमाना नहीं सिखाया जाता? बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट लेट अस टीच दैट सब्जेक्ट. हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको अलाउ नहीं करता ये सब्जेक्ट सिखाना. क्या स्कूल में पैसा कमाना सिखाया जाता? नहीं. क्या स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन का कुछ चैप्टर आज तक आपने पढ़ा? नहीं. सो आई आस्क समवन देन व्हाई वी गो टू स्कूल. मैंने एक आदमी से सवाल पूछा कि फिर हम सारा स्कूल जाते क्यों हैं? तो जवाब मिला, टू गेट अ डिग्री. डिग्री लेने जाते. उन्होंने बोला, डिग्री से क्या होता है? उन्होंने बोला, जॉब मिलती. तो मैंने बोला, जॉब का पर्पस क्या है? बोला, पर्पस ऑफ जॉब इज टू अर्न मनी. ओह माय गॉड, मेरा दिमाग खराब हो गया कि होता क्या है. ये बहुत ही मजेदार एक डेटा है, मैं आपको देता हूँ. डेटा बहुत शानदार है, ध्यान से देखिए. हम जाते हैं स्कूल, राइट? हम गए स्कूल क्या लेने के लिए? डिग्री. एक्सेलेंट. डिग्री लेने के बाद क्या मिली? बोले, जॉब. सुपर एक्सेलेंट. जॉब क्यों करनी है? बोले, पैसे कमाने के लिए. फैंटास्टिक. आखिरी बात वही आ गई, पैसा कमाने के लिए. जब कमाना ही पैसा है, तो स्कूल में डायरेक्ट पैसा कमाने के बारे में क्यों नहीं सिखाया? तो मैंने कहा,
क्या मैं ये जॉब पार्ट बीच में से स्किप कर सकता हूँ? कैन आई स्किप द जॉब पार्ट? नहीं करना चाहता, मैं सीधा आना चाहता हूँ पैसे के। आई ऑलवेज वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर नॉट एन एम्प्लॉई। मैं जिंदगी में हमेशा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। जानते हैं एक महीना नौकरी, एक महीना 2000 रुपये का तनख्वाह मिला, जिंदगी का पहला और आखिरी महीना। द मोमेंट आई गेट अ पे चेक, प्रॉब्लम क्या था जानते हैं? द मोमेंट आई गेट अ पे चेक आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एम्प्लॉई। मैं उसी दिन एम्प्लॉई की तरह सोचना शुरू कर सकता हूँ। Not my cup of tea. I told my father that day I never want a paycheck in my life. He said, then how do you will make money? उन्होंने मुझे कहा कि अगर नौकरी नहीं करेगा तो पैसे कैसे कमाएगा? मैंने कहा यही तो सोचना है पापा। दिमाग से पूछेंगे कि पैसे कैसे आए? वो बताएगा। क्राइसिस हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। आपको जानकर खुशी होगी, ये अच्छी न्यूज भी है कि क्राइसिस सिर्फ दिमाग में। अच्छी खबर है कि मुसीबत सिर्फ दिमाग में है, असल में नहीं। और बुरी खबर भी यही है कि मुसीबत सारा दिमाग में, और जिसके दिमाग में मुसीबत हो जाए असल जिंदगी में मुसीबत आ जाती है। गाइस, मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात करते हैं जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा। उन्होंने कहा द वर्स्ट पीपल टू सर्व इज पुअर। दुनिया में सबसे खराब है पुअर लोगों से बात करना, उनको सर्व करना। किसी ने पूछा कैसे? बोला आप उनको कुछ फ्री दे दो तो वो समझेंगे कुछ ट्रैप है। आप कुछ फ्री दो समझेंगे ट्रैप है। आप उनसे कहो एक बड़ा बिजनेस करना है तो बोलेंगे पैसा नहीं। आप उनसे कहो कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस करना है तो बोलेंगे रिटर्न नहीं। उनसे कहो नया बिजनेस है, कहेंगे एक्सपीरियंस नहीं है। उनसे कहो पुराना बिजनेस है, कहेंगे कॉम्पिटिशन बहुत। उन सब में एक बात कॉमन है, दे ऑल गूगल एवरी डे हाउ टू गेट रिच फास्ट। सारा दिन गूगल करते हैं कि करोड़पति कैसे बने, पैसा कैसे कमाएं। दे ऑल आर लाइक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उनको सब पता है पर काम में करते आगे से नहीं करते। गाइस, मैं आपसे जानकारी के साथ बात करके तो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या करता है? द बिग मिस्टेक आई यंग पीपल मेक इज एंड द वर्ड्स आर व्हाट आई डू व्हाट आई लव। खतरनाक बात बता रहा। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं वो करना चाहता हूँ जिससे मुझे प्यार है, मैं वो करना चाहता हूँ जिससे मुझे प्यार है। प्यार वाला काम करें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ यू सी इन रियल लाइफ समटाइम्स यू हैव टू डू व्हाट यू डू। लाइक पीपल थिंक आई लाइक टू मेक वीडियोस, लोग लगता है मुझे वीडियो बनाने बड़े अच्छा लगता है, ट्रेनिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, सेमिनार में जाना बड़ा अच्छा लगता है, कॉर्पोरेट में जाना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में 6-6 घंटे का बात करना बड़ा अच्छा लगता है। नो, आई हेट डूइंग ऑल दिस, इट्स नॉट माई पैशन मेबी, बट माई पर्पस। ये सब करके पूरा पर्पस सॉल्व होता है। कभी कभी आपको जिंदगी बनाने के लिए वो करना होता है जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि सफलता कभी कभी उन कामों को करने से मिलती है जो आपको अच्छा नहीं लगता। साथियों, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनना चूज करना हो, नहीं तो अनजाने में आप गरीब हो रहे हैं। अमीर बनना पड़ता है, गरीब ऑटोमेटिक। आप गरीब पैदा हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहते हैं अपने परिवार को गरीब छोड़ के जाना दुनिया की सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी दौलत है, सवाल ये है कि जितनी दौलत हो सकती थी उतनी है कि नहीं। मैं 5 वो बातें बता देना चाहता हूँ जो पुअर लोगों के अंदर होती है। ये हमें डिजीज है, ये अंदर घुस चुकी है। काश वो ये 5 चीजें हटा दें तो वो पुअर से रिच की यात्रा तय कर लें। वो बढ़ जाएंगे उस दिशा में जहां पर बहुत वेल्थ है, हैप्पीनेस है, पैसा है, हटा दौलत है। तो वो 5 बातें ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी से उनको एलिमिनेट कर दीजिए। पुअर लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? पुअर लोगों की सबसे बड़ी समस्या है ये, क्या ध्यान से देखिए। नंबर वन प्रॉब्लम पुअर पीपल इज, अगर सब कुछ याद रखना इतना आसान होता तो हर घर में एक कलेक्टर और एक अधिकारी होता। चीजें याद रखना, स्पोर्ट्स खेलना नहीं देखना, खेलते कम है देखते ज्यादा है। इन अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम इनको इंडिया के मैच देखने में निकाल चुके। ये जितने पैशन से भारत की जीत के लिए मैच देखते हैं उसके आधे पैशन से अपने सपनों के पीछे पड़ते हैं तो दुनिया जीत लेती है। ये जितनी पैशन से जितनी डिग्निटी के साथ भारत की टीम को सपोर्ट करते हैं उतना ही सपोर्ट अपने सपनों को करते हैं तो दुनिया जीत लेती है। स्पोर्ट्स खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में 3-3 घंटे जाया कर देना बहुत बुरी बात है। इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच महेंद्र सिंह धोनी नहीं देखता, ये 6 घंटा मैच देखते हैं। दे आर किलिंग देयर टाइम बाय वाचिंग स्पोर्ट्स एवरी डे। आईपीएल का इंतजार हो रहा है, जिस दिन आईपीएल शुरू होगा मुंबई का हो, कलकत्ता का हो, जिसका भी मैच हो इसको जरूर देखना। ओवर लोगों का फिलॉसफी है स्विंग खेलते हैं। नंबर टू द मोस्ट एलिमेंट इज रिएक्टिव। दीस ऑल पीपल आर रिएक्टिव। दोष किसी और का है, जी हाँ, दोष किसी और का है। जिंदगी में कुछ भी इनके साथ समस्या आती है, इनके पास एक कंधा है जिन पर रख के इनको बंदूक चलाते हैं। हमारे बाप ने हमारे लिए ऐसा किया नहीं, हमारे को वाइफ सपोर्ट नहीं करती, हमारे दोस्त नालायक निकल गए, हमारे ऑफिस वाले बेकार हैं, हमारे कलीग खराब हैं। इनके पास अपनी सभी बीमारियों का इलाज कोई है तो वो कोई और है। इनको सब तकलीफें दुनिया से हैं। ये कभी भी 100% जिम्मेदारी नहीं होती। ये कभी नहीं कहते कि ये नुकसान मेरी वजह से हुआ, ये कभी नहीं कहते कि ये रिश्ता मेरी वजह से बिगड़ा। ये हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि दोष किसी और का है। गालिब का एक शेर है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, भूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये दो चीजें तत्काल बंद कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्पोर्ट्स। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोष देना बंद करिए। जिंदगी में जो कुछ हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है ये सोचना शुरू कर दीजिए, आपके लिए सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेलसी।
jealousy, ladies and gentlemen. Jalak. Jealousy with rich people. ये रहीस तो बनना चाहते हैं लेकिन रहीस लोगों से नफरत करते हैं. जी हाँ, ये चाहते हैं कि हम रहीस बने, अमीर बने, लेकिन अमीर लोगों से घृणा करते हैं. ये सोचते हैं ये कैसा कर लिया, इसने पैसा कैसे बना लिया, ये भी तो हमारी ही तरह था. नफरत की भावना से देखते हैं. मैं आपको बता दूं, जिंदगी में आगे कभी पढ़ना हो तो सबसे आपके से ऊपर आदमी है, आपसे जो सफल आदमी है, ना तो कभी उसकी निंदा करें, ना उसको कभी जेलेसी की भावना. अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो रिच लोगों का रिगार्ड करें, सफल लोगों का रिगार्ड करें, उनके साथ रहने का प्रयास करें और उनसे पूछ लें कि तू भाई कैसे कर चुका है, इसमें आपका ईगो आगे किया. चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्बाद कर दिया है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने लोगों को इस बात चीज में, और वो चीज क्या जानते हैं, खतरनाक है दोस्त, शो ऑफ. 25,000 रुपए का टेलीफोन, सॉरी 25,000 रुपए की तनख्वाह है और 1.5 लाख रुपए का टेलीफोन है. ये चमत्कार मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि तनख्वाह 25,000 रुपए की है और टेलीफोन 1.5 लाख रुपए का. EMI पे लिया है हुजूर. वाह क्यों? क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास तो नहीं है. तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? लग गया है कंपटीशन में. आप शो ऑफ करने में, गाड़ी लेगा ऑक्स नहीं है, किस्त बनाएगा कैसे भरेगा पता नहीं है, 20,000 की तनख्वाह में 1 लाख रुपए के फोन लेते हो, मैंने लोगों को देखा है. गलत है, शो ऑफ करना बहुत गलत है. अगर आप डिमांड करते हैं, अगर आपको बिजनेस डिमांड करना है, जरूर लीजिए, लेकिन हम नजर का शो ऑफ. आप जानते होंगे हमने का ख्याल रखिए. विश ऑल द वेरी बेस्ट यू. थैंक यू सो मच. जय.